लास्ट क्लास में हमने वो किया था ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ वत्सल, यस सर, लास्ट क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी कर लिया था ना। यस सर, हाँ, तो आज मैग्नेटिक इफेक्ट की प्रैक्टिस करते हैं। चलो, तो इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूले तो याद ही है ना? मैं लिख यस रहा हूँ, सर, मुझे मुझे बताना सही लिखा है मैंने, गलत लिख दिया है। ये इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए लिखा मैंने, आर डिस्टेंस अवे। सही है गलत है? ये थ्री की जगह टू आएगा। थ्री की जगह टू आएगा। अच्छा चलो, टू कर देता हूँ। तो ये वायर है, मान लो इसमें करंट आई है, इसकी वजह से यहाँ पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी इसकी वजह से, इस करंट की वजह से यहाँ पर? इन टू द प्लेन इनवर्ट। इन टू द प्लेन है ना। यस सर, फॉर्मूले सब याद ही हैं। अगर ये फाइनाइट वायर होता तो आई बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, याद है ना? यस सर, और आर्क होता तो मैग्नेटिक फील्ड 0/4π इनटू आई बाई इनटू आर अल्फा इनटू इनटू एंगल अल्फा थीटा। हाँ, रेडियन में। ठीक है, हाँ, रेडियंस में। तो बेसिक फॉर्मूले तो याद है। कुछ क्वेश्चन देता हूँ सीधे, वो मुझे हेल्प करेंगे आप लोग। सर उसके करवा देना, उसके सेल्फ इंडक्शन के और म्यूचुअल इंडक्शन के, वो तो सेल्फ ईएमआई और में आएगा म्यूचुअल। ना, ईएमआई में आएगा। अभी पहले मैग्नेटिक इफेक्ट्स कर रहे हैं ना आज तो। ओके ओके ओके, जब वो करवाओगे तो उसके क्वेश्चन करवाना, म्यूचुअल और हाँ उसके। हाँ तब उसमें देखेंगे। अब ये एक स्क्वायर लिया आपने, और इसमें ये आई करंट मूव कर रहा है। इसकी साइड ए ले लेता हूं मैं, इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन लिखना है आपको। खाली स्टेप बताते जाओगे, ओनली स्टेप्स। ओ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये डायगोनल इंटरसेक्ट कर रही है, तो ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन निकालना है। तो बता रहे हैं आप लोग, ट्राई कर लिया? हाँ, यस तो मुझे बताओ, अगर खाली ए बी की वजह से निकालें, ए बी की वजह से, एक म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई मिनट, हाँ, म्यू नॉट अपॉन 4i, पहले 4π 4π, हाँ, इनटू आई अपॉन ए बाय टू आई अपॉन, ये हो गया ए बाई टू,
45, 2 times of sin 45, 2 into sin 45, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे सेंटर पे आ इसको जाएगा इनटू 4 कर दें। ओके, और डायरेक्शन क्या होगी? आउटवर्ड। डायरेक्शन नॉर्मल टू द प्लेन आउटवर्ड। सबका यही है, कुछ चेंज करना है किसी को? सर यही है, यही है। हाँ, अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, करंट आई फ्लो कर रहा है ए टू बी, बी टू सी, सी टू ए, और ये इसका सेंट्रॉइड ले लेता हूं मैं। इसकी साइड भी ए ले ली मैंने, मैग्नेटिक फील्ड सेंट्रॉइड पे निकालना है, खाली एक्सप्रेशन लिखना है, ओनली इस फर्स्ट स्टेप। सर बोलू, हाँ बताओ, म्यू एक नॉट मिनट, अपॉन 4 पाई। किसकी वजह से बता रहे हैं? मान लो बी सी मान लेता हूँ, या किसी भी एक साइड की वजह से बता रहे हो। चलो ठीक है, हाँ म्यू म्यू नॉट, नॉट अपॉन 4 पाई हाँ आई अपॉन हाँ ये ए सपोज लूप 3 पाई। ये आर है, तो आर की वैल्यू क्या होगी? कैसे निकालेंगे आर की वैल्यू? सर पहले वो जो ट्रायंगल बना के 60 डिग्री करके वो निकाल लेंगे एल्टीट्यूड, फिर उसका 2:1 में डिवाइड कर देंगे। अच्छा, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, है ना? ये यस 30 डिग्री है सर, सही। यस सर, और ये ए बाई टू है, यस सर, इससे भी हो जाएगा। इससे भी जाएगा ना? हाँ, तो यहाँ इससे निकाल लेते हैं। तो 10 30 इक्वल टू आर अपॉन ए बाई टू, 10 30 है 1/√3, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? ए बाई 2√3। ठीक है, यस यस सर, यहाँ पे मैं अभी आर लिख दे रहा हूँ, आर की वैल्यू यहाँ से रख देंगे। इनटू क्या लिख दूँ? हाँ, 2 टाइम्स sin 60, 2 sin 60 इसका 3 टाइम्स। इनटू 3 कर दूँ? हाँ गुड, सबका यही आ रहा है। यस सर, हाँ, तो ये तो चलो प्रैक्टिस अच्छी है आप लोगों की। इसी तरह ये रेगुलर हेक्सागन है, तो इसके अंदर भी करंट आई फ्लो कर रहा है, सेंट्रो पे मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन खाली लिख देंगे। इसकी साइडें हैं,
नाम लिख देता हूँ मैं जिससे डिस्कस कर ले। खाली स्टेप, फर्स्ट स्टेप लिखो। तो बता रहे हैं मुझे पहला स्टेप। हाँ एक मिनट, फाइंड। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू आई अपॉन क्या आई लिखूं? फोन के नहीं ए नहीं, अब सोच ले हम। ए रूट 3/2 a/2 √3। वही तो कहा मैंने a√3/2। हाँ कैसे भी निकाल सकते हैं। मान लो ये एंगल कितना होगा यहाँ पे, 30 30 डिग्री। ये है ए, तो ए कॉस 30 है ना, और कॉस 30 कितना है? √3/2 a√3/2 इंटू क्या लिखूं? 2 times sin 30। 2 sin 30। ठीक यस सर, है, इसका 6 ये एक साइड की वजह से आया। इंटू क्या कर दूं? सिक्स इंटू 6। और डायरेक्शन क्या होगी? इनसाइड डाउन इनवर्ड्स नॉर्मल टू द प्लेन इनसाइड, सही है ना? सर। सही है, तुम लोग अच्छा बता रहे हो एकदम। चलो एक में मुझे और कंफ्यूजन था, ये और बता देना। ये रेक्टेंगल है, ये वाली साइड इसकी ए है, और ये साइड इसकी बी है। अब ओ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है हमें, करंट आई है। इसमें भी खाली स्टेप्स बताने हैं। इनके नाम लिख दे रहा हूं मैं। सर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन किसकी वजह से बता रहे हैं ये? सर BC और AD। BC और AD की वजह से। अच्छा चलो, मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन बी फोर बाय पाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। हाँ इंटू आई अपॉन a/2 इंटू टू, एक मिनट, इंटू 45 डिग्री। साइन ऑफ टेन इनवर्स b/a, 2 sin ऑफ नहीं, ये टेन इनवर्स बी बाई सिंपल ए वैसे बोल देना साइन इनवर्स नहीं, ए बी के टर्म्स में बताओ मुझे। सर, एक सेकेंड हाँ सर, b अपॉन अंडर रूट ऑफ a² + b² ये एंगल अगर अल्फा मान लूँ मैं,
तो टू साइन अल्फा है ना, और ये भी अल्फा है, साइन अल्फा की वैल्यू यहाँ से आएगी, टू इंटू साइन अल्फा, साइन अल्फा की वैल्यू क्या बता रहे हैं, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ ये देखो ये सही है क्या, ये है जो लिखा है इनटू टू बी अपॉन आ रहा है सर, नहीं ठीक है ठीक है, रूट भी है, रूट भी है। सही है सही है सर, सही है। हाँ ठीक है, ये चेंज करना है, अभी मैं रुक रहा हूँ, मैं तो आराम से पूछ के आगे बढ़ूंगा, अभी यहाँ तक ठीक है। यस सर। ये किसकी वजह से आया, बीसी की वजह से, इसलिए क्या करूँ, इंटू क्या कर दू, टू इंटू टू। हाँ तो ये बीसी और एडी की वजह से आ गए, यहाँ लिख दे रहा हूँ बीसी एंड डीए। सम हो जाएगा क्या दोनों का, किधर आ रही डायरेक्शन, दोनों की वजह से। हाँ आउटवर्ड। अब इसी तरह से ए बी के लिए क्या लिख देंगे सर, ए बाई टू की जगह बी बाई टू आ जाएगा और बी की जगह ए आ जाएगा। यहाँ बी बाई टू लिखो, और अब एंगल ये आ गया, इसको बीटा मान लेता हूँ, तो ये भी बीटा हो गया। इंटू टू तो नेट फील्ड इनका सम हो जाएगा। यस सर। सम कर दूं या सब्ट्रैक्शन करना है, सम। सही है, यहाँ तक सबका ठीक ही है, अच्छा कर रहे हो। अगला क्वेश्चन बता दो मुझे। यहाँ से करंट आई एंटर कर रहा है इस स्क्वायर में, और ये सब एक जैसे यूनिफॉर्म वायर है, और यहाँ से करंट बाहर जा रहा है, यहाँ से एंटर किया और फिर सी से बाहर निकल गया, और ये ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया मैंने, ये पी पॉइंट है मेरा। ये स्क्वायर है, इसकी साइड में ए ले लेता हूँ, और ये डिस्टेंस ए बाई फोर के बना है, पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड एट पी। हाँ कुछ कह रहे हैं अभी, हाँ तो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जब पहले आप ट्राई करो फिर बताओ मुझे।
आगे आंसर खाली स्टेप बता देंगे तो भी चलेगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। कैसे निकालेंगे पहले मेथड बताओ मुझे, ये किसकी वजह से बता रहे हो, ये जो बता एबी रहे की हो वजह से। एबी की वजह से। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए बाय फोर। नहीं, अभी एरर आ रही है। आई बाय टू बाय ए बाय फोर। हाँ ये करंट आई है, यहाँ डिवाइड होगा ना ये दो वायर में। हाँ बाय ए बाय फोर ये टू टू टाइम्स टू टाइम्स टू बाय रूट थ्री। अगर अल्फा मान लूँ मैं, सर 2 टाइम्स अल्फा लिख दो, बाकी निकाल लेंगे। 2 sin alpha, बस सर और ठीक है, अल्फा की साइन अल्फा कितना है ये बता रहे हैं। निकाल लेंगे, वो तो इतनी मैथ्स तो आती है। हाँ निकाल तो इतना 2/√5 आ रहा है सर। हाँ 1 और 2 सही है। आने की प्रॉब्लम नहीं है, आ तो आपको रहा है, आप मिस्टेक जल्दी में करते हो, स्ली मिस्टेक कहते हैं उसे, इसलिए नहीं कि नहीं आ रहा है, आता तो है ही आपको ए बी के वजह से। तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, आउट ऑफ द आउट ऑफ द प्लेन। आउट आउट हाँ आउट ऑफ द प्लेन ठीक है, ए बी की वजह से निकाला। अब बी सी की वजह से निकालेंगे, सर BC और AD के तो कैंसिल हो जाएगी ना। हाँ गुड। बी सी और ए डी, ये करंट गया ना यहाँ, हाफ हाफ डिवाइड हो गया I/2 और ऐसे इधर गया, तो कैंसिल हो जाएगी। ये आपस में कैंसिल हो गए, तो इसलिए अब खाली सी डी की वजह से लिखना है या डी सी की वजह से। तो B1 लिख रहा हूँ इसको, मैं B2 लिख रहा हूँ। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय टू अपॉन 3A/4 टू टाइम्स साइन बीटा। चलो इसको बीटा मान लेते हैं। सर नेट हो जाएगी B1 - B2। ये अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है। यस सर अंदर अंदर इन टू अंदर द नॉर्मल टू द प्लेन। हाँ और साइन बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, जो ट्रायंगल बन रहा है ये, इसको मैं यहाँ अलग से बना रहा हूँ। साइन बीटा की वैल्यू आ रही है, हाँ 2/√13। 2/√13 अगर ये 3 लें ये 2 लें तो ये √30 सही, तो 2/√13 है, यहाँ रख देंगे। और नेट दोनों में से कौन सा बड़ा होना चाहिए, सर, तो ए बी ये वाला, ए बी वाला B1 बड़ा है क्यों सर, उसमें ज्यादा पास है। सर ए बाय उसका। फोर हाँ ए बाय फोर थ्री ए इसमें बाय फोर से डिस्टेंस कम है, छोटा है हाँ ये डिस्टेंस कम है इसलिए गुड। सर। ये JEE B1 लेवल के क्वेश्चन करवा दो आप। B1 - B2 ये किधर होगा, डॉट आउटसाइड। हेलो सर, हाँ सर अब JEE लेवल की करवा दो क्वेश्चन। हाँ दे रहा हूँ मैं, सर JEE लेवल की करा दो। यस यस सर JEE के ठीक है, तुम ये बताओ ये थिन प्लेट है ठीक है, ये उसका क्रॉस सेक्शन है, ये करंट नॉर्मल टू द प्लेन आउटसाइड जा रहा है,
ये पी पॉइंट है, इधर ये क्यू पॉइंट है, ऐसे ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है। करंट पर यूनिट लेंथ गिवन है हमें, करंट डेंसिटी, थिन प्लेट है ये। पी और क्यू पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, बता रहे हो आप लोग? करते हैं सर, ट्राई ट्राई हाँ करते हैं सर। ट्राई करो। ये इनका डिस्टेंस यहाँ से ए मान लेंगे, और इधर भी ए मान लो या बी मान लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप ए पर कितना होगा और इधर ए डिस्टेंस पे कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, ये निकालना है। से तो इंडिपेंडेंट होगा ना ये। हाँ ये हो भी सकता है ऐसा। हाँ ये तो स्टेप लिखवा देना बस। सर, बता रहे हैं मुझे कोई? हाँ यस सर, एक सेकेंड।
सर एम्पियर सर्किटल लॉ से पहले एक रेक्टेंगल बना लेंगे। अच्छा लो हाँ सर, उसके उसके बाद फिर उसमें एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे तो उसका जो लेंथ है मान लो मैंने ये ले लिया, चलो ऐसा बना लूँ। यस सर। सर इसमें जो ये साइड कितनी ले लूँ, ये वाली सर एल ले लो कुछ भी, मतलब ये एक्स भी ले ली, चलो हाँ भी ले ली मैंने, चलो ठीक है सर। इसका क्रॉप सेक्शन लिया मैंने, हाँ अब 40 स्टेप लिखूँ, एक सेकंड कितने लोगों कॉन्फिडेंस है क्लास में इस क्वेश्चन को करने का, एक बार बताओ मुझे कितने लोगों को एकदम कॉन्फिडेंस है कि बिल्कुल सही कर लेंगे। हेल्प करूं थोड़ी? यस सर थोड़ी सी। अब ये देखेंगे, कोई भी दो पॉइंट ले लिया यहाँ पे, पहले सपोज एक ये पॉइंट ले लिया मैं यहाँ अलग से बना रहा हूँ, और एक ये वायर ले, इसमें भी करंट आउटसाइड है, इसमें भी करंट आउटसाइड आ रहा है, ठीक है, इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकाल के देखा किधर आता है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड सिमेट्रिकली लिया मैंने इन दोनों के बाइसेक्टर पर, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन के परपेंडिकुलर ऐसा होगा, ठीक है। Yes, sir. इसकी वजह से, और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ये जो ये डिस्टेंस है इसके परपेंडिकुलर ऐसा होगा, और दोनों की वजह से सेम होंगे, तो यानी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इनके वो ऐड हो गए, वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, ये समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। तो जहां भी निकालना है ये P पॉइंट है, उसके दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस वाले जब हम वायर लेंगे उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट में आ रहा है, तो ऐसे ये ऊपर वाला मैग्नेटिक फील्ड इसके पैरेलल ऊपर आ जाएगा और ये यहाँ नीचे आ जाएगा सेम लॉजिक से। अब इस लूप में एम्पीरियन लूप में मैं एम्पियर्स लॉ लगा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, बी मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डी एल, तो एक तो मैग्नेटिक फील्ड बी इधर है इनटू इसकी लेंथ ये स्मॉल बी, और ऐसी बी इनटू बी इसके साथ टू टाइम्स हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो इधर है, ये परपेंडिकुलर है, इसके अक्रॉस जीरो हो जाएगा, इसके अक्रॉस भी जीरो हो जाएगा, ये बराबर म्यू नॉट इनटू आई, आई को मैं लिख दूंगा लैम्डा इनटू लेंथ बी, यहाँ तक सही है? यस सर। ये मैंने लगाया बी डॉट डी एल इंटीग्रेशन इक्वल टू म्यू नॉट आई, है ना, एम्पियर्स लॉ लगा दिया, तो बी इंटू बी तो इसके क्रॉस आ गया, एंगल जीरो, लेंथ भी इधर, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, और ऐसी मैग्नेटिक फील्ड इधर लेंथ भी इधर ले ली मैंने, क्योंकि इस लूप में ऐसे गए इस लूप में ऐसे आएंगे, इसके अलोंग आ रहे हैं, तो ये दोनों ऐड हो गए, हाँ ये वाला भी इससे कैंसिल हो गया, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट लैम्डा बाई टू, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, बस इतना करना है। ये एक थिन शीट की वजह से, अगर एक और शीट ये पी और क्यू दोनों जगह सेम ही आएगा, खाली डायरेक्शन इसकी लेफ्ट होगी इस पॉइंट से, इसकी राइट होगी, डायरेक्शन ऐसे निकाल लेंगे, क्लियर है? और yes, अगर एक से ज्यादा शीट दी हो तो हम उनका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन करके वेक्टर सम कर लेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ मैं, यहाँ तक किसी को डिफिकल्टी? नो सर। ओके कौन सिक्स था मेरे ख्याल से वो, क्वेश्चन नंबर सेवन। अब देखें जरा, अगर
इसमें करंट यहाँ से जा रहा है, इससे ये ऊपर इन्फिनिटी लोंग है, ऊपर यहाँ पर ये एंड है, तो हमें ये सी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इस साइड को मैं ए मान लेता हूँ, ए से लेके सी तक ये डिस्टेंस ए गिवन है। क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। इसमें करंट आई सर, वायर कहाँ पर, वायर कहाँ से स्टार्ट हो रही है? ए से। ए से स्टार्ट होके अप टू इन्फिनिटी। ठीक है खाली खाली पहला स्टेप बताना है हमें, जैसे आपको पता ही है हर क्वेश्चन में पहला स्टेप। एंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट सी। हो गया हाँ, एक मिनट रुक जाए और को ट्राई करने दे। सबका हो गया? यस सर। यस सर। हाँ बताओ, मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू क्या लिखूं? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हाँ इनटू आई अपॉन ए रूट थ्री बाय टू इनटू साइन 90 माइनस सबका आ गया ये? सर सुपर पोजिशन के बिना सिर्फ एंगल एंगल ऐड करके देख लिया, जो साइन 90 प्लस साइन ऑफ माइनस 30 ऐड कर दे तो ये सुपर पोजिशन हो रहा है, ये 30 डिग्री है ना, तो इसकी वजह से निकाल के माइनस कर दिया बस हमने। यस सर। ये डी ले लेता हूँ, ए डी वायर हमने दोनों तरफ ऐड कर दिया, एक ऊपर और एक ये नीचे, तो यहाँ से इन्फिनिटी लॉन्ग के लिए तो ये आ गया आई बाई आर, और इस छोटे वाले वायर के लिए माइनस कर दो बस निकाल के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सबका हो गया? यस सर। यस सर। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस और ये है z एक्सिस। यहाँ पे OC एक स्ट्रेट कंडक्टर है, OC इसकी लेंथ L है और इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, और इसको हमने एक्स एक्सिस के अलोंग रख दिया ऐसे, और टू इनफिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स हैं जो कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जा रहे हैं, ये गिवन है, एक ये वायर एक ये वायर, दोनों की वैल्यू ये टू वायर्स हैं, जेड इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू जेड इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी, एक वाई इक्वल टू माइनस ए पर है, एक वाई इक्वल टू प्लस ए पर है, ये दो वायर हैं और दोनों के अंदर करंट आई इनटू द प्लेन है। यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है? तो ओसी के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो फोर्स निकालनी है आपको,
अप्लाइड फोर्स ऑन वायर ओसी जब इसमें करंट इधर फ्लो कर रहा है, और सेकंड केस में फोर्स निकालें जब इस ये वायर की डायरेक्शन हमने ओपोजिट कर दी। अगर हमने ये दो वायर है, एक मिनट, ए एंड बी, बी में करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दें, अगर पॉइंट फोर्स ऑन ओसी, तो ओसी वायर पे हमें फोर्स निकालने हैं। ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, पहले आप ट्राई कर रहे हैं, फिर हेल्प ले लेंगे। सर जो दो वायर से उनकी पोजीशन समझ में नहीं आई, ये वाई इक्वल टू प्लस ए पे रखा है, ये जेड एक्सिस के अलोंग माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ये भी ऐसे दिख रहा है, हाँ, इसमें करंट की डायरेक्शन भी दिख रही है इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, और ये ओसी इसकी लेंथ एल है, ये एक्स एक्सिस पे रखा है यहाँ ओ से लेके सी तक, इसके ऊपर इन दोनों की वजह से जो भी नेट फोर्स आ रही है वो फाइंड कर रही है। क्वेश्चन क्लियर है अब? यस सर। हाँ ट्राई करते हैं, फिर हेल्प ले लेंगे। फोर्स जीरो नहीं होगी? सोच ले, नेट फील्ड किधर आ रहा है इन दोनों की वजह से, इन दोनों की वजह से यहाँ नेट फील्ड कहीं निकालें तो किधर आएगा? माइनस जे पर पेंडिकुलर इधर आया, तो उस अगर फील्ड इधर आया तो उसकी वजह से फोर्स जीरो होगी। एक मिनट सर, एक मिनट। माइनस के की तरफ आनी चाहिए, माइनस के इधर कह रहे हैं हम, जेड के अपोजिट है। नहीं गलत कह रहे हैं, माइनस के डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में ही वायर है, और उसी डायरेक्शन में फोर्स आ सकती है क्या? उसी डायरेक्शन में हमारा माइनस जेड में आएगी? नहीं, पहले सर, पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे ना, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? मैग्नेटिक फील्ड तो माइनस जे, माइनस जे, तो उसकी वजह से फोर्स आएगी ना फाइनाइट, अब वो कैसे निकालेंगे? पहले मैग्नीट्यूड बताओ। आपको माइनस के बताई ना? हाँ सही है, हाँ वो डायरेक्शन बताई थी। अच्छा फोर्स बता रहा हूँ, अब वो तो जीरो तो नहीं हो रही, फोर्स जीरो हो रही है क्या? नहीं सर नहीं हो रही। हाँ तो बस मेन चीज हमें देखनी थी, अब ये फाइंड कैसे करेंगे? एक मिनट सर, फील्ड की डायरेक्शन कैसे आई? फील्ड की डायरेक्शन के लिए यहां से कोई भी एक पॉइंट लो, इसकी वजह से और इसकी वजह से, दोनों की वजह से निकाल के उसका कंपोनेंट्स करके चेक करोगे यहाँ पर। पहले ट्राई कर रहे हैं, फिर हेल्प ले लेंगे। ट्राई कर रहे हैं ना अभी? नहीं तो मैं
हिंट दूं क्या? सब कर रहे हैं ट्राई अभी। ये वाला क्वेश्चन सब्जेक्टिव 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है ये, तो आपके मेंस में थोड़ा मीडियम क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये हम ये कर लेंगे तो हमें उसमें हेल्प मिलेगी, है ना? टेन मार्क्स में आया था। सर सर आई इंटू एल इंटू म्यू नॉट आई अपॉन ए। नहीं, पहले तुम मुझे पहला स्टेप बताओगे, है ना? ये सर फोर्स बता रहे हो, फोर्स बता रहे हो मुझे? यस सर नहीं, सही नहीं आ रही। सर इसे मैग्नेटिक फील्ड निकालना जरूरी है वैसे फोर्स निकालने के लिए। बिना मैग्नेट कैसे निकालेंगे? आई एल पी लगाना है ना हमें? सर मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ से नहीं निकाल सकते हैं। किससे किससे बताओ? फोर्स पर यूनिट लेंथ वाले से लास्ट में लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको। BIL से, है ना? फोर्स पर यूनिट लेंथ वाले से म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन फोर्स टू। पर यूनिट लेंथ, इन दोनों की वजह से, इसकी इसके ऊपर निकालनी है हमें, इन दोनों की वजह से। वो फोर्स पर यूनिट लेंथ कब आती है? जब दोनों पैरेलल वायर होते हैं एक दूसरे के, है ना? दोनों वायर पैरेलल होते हैं, उनके बीच में फोर्स आती है। वो तो ये दोनों वायर भी तो पैरेलल ही हैं। नहीं, इनकी आपस में फोर्स नहीं निकालनी, इन दोनों की वजह से इसके ऊपर फोर्स निकालनी है। मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन ए आ रही है। नहीं, मैग्नेटिक फील्ड तो भी सही नहीं आ रही। मैग्नेटिक फील्ड तो वेरिएबल आएगा, चेंज होता जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस यहाँ से हर पॉइंट के लिए अलग अलग होगा। तो ये एक्स डिस्टेंस पे स्मॉल एलिमेंट लो, उसके लिए पहले निकालो। मैग्नेटिक फील्ड में दिक्कत आ रही है। ये मैंने एक पी पॉइंट लिया और इसका डिस्टेंस मैंने यहां से एक्स लिया। अब देखो, इसको मैं यहाँ ज्वाइन कर रहा हूँ और मान लो ये एंगल थीटा ले लिया मैंने अभी फिलहाल के लिए। तो इसकी वजह से ये जो बी वायर है और ये ए वायर है, बी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर किधर होगा? इसमें करंट इनसाइड है, ये पॉइंट पी है मेरा, ये वाला पॉइंट पी है। तो बी की वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, बता सकते हैं? परपेंडिकुलर नीचे लेफ्ट, परपेंडिकुलर ए की साइड पे, ए की साइड पे। हाँ जी सर, इधर। हाँ, ये बी इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी, बी ड्यू टू बी इधर होगी 90 डिग्री पे। यस सर। ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये परपेंडिकुलर वर्टिकल से एंगल थीटा आ गया। और इसी तरह ए की वजह से देखें जरा किधर हो गए, ए से ज्वाइन किया सर नीचे राइट साइड में, नीचे राइट साइड में इधर। यस सर हाँ, ये एंगल भी थीटा है, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये फिर थीटा आएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए, दोनों की वजह से एक्स पर ये वाला डिस्टेंस निकालेंगे ना हम। ये हमें ए गिवन है, ये अगर एक्स ले तो ये वेरिएबल होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यस सर।
तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, एक की वजह से जो भी होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 आई बाई आर। आर है ये, और इस मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, कॉस वाले ऐड हो गए, साइन वाले कैंसिल हो गए, देखो ये समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। दोबारा बता दो सर। फिर से देखते हैं, एक वायर की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 आई बाई आर। 2 आई ये करंट की वैल्यू, और आर डिस्टेंस बी से लेके पी तक, ये बीपी डिस्टेंस, 2 आई बाई आर, ये तो मैग्नेटिक फील्ड हुआ। ये बी की वजह से, ए की वजह से भी सेम आएगा, सिमेट्री है क्योंकि एक्स डिस्टेंस पे ये वाला डिस्टेंस भी सेम आएगा इधर पाइथागोरस से, और इन दोनों के ये वाले कॉस वाले कंपोनेंट ऐड होते जाएंगे, और इसके लिए बी ए कॉस थीटा, और इनके साइन वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, तो इसलिए दोनों इक्वल हैं, 2b cos थीटा आएगा। इसको बी डैश लिख दे रहा हूं मैं, ये 2b cos थीटा मैंने यहां पे निकाला है। देखो ये समझ में आया? यस सर। और कॉस थीटा की वैल्यू यहां से वेरिएबल है, हर इस पे एंगल थीटा चेंज होता जाएगा ना, एक्स बाई बीपी, और फिर यहाँ डीएक्स एलिमेंट लोगे, ये एलिमेंट डीएक्स, उसके ऊपर फोर्स निकालोगे, ये 2 से यहाँ 2, 2 और 2, ये मैं लिख सकता हूँ म्यू नॉट अपॉन पाई इंटू आई और कॉस थीटा की वैल्यू हो गई एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो म्यू नॉट अपॉन पाई इंटू आई इंटू एक्स, ये मैग्नेटिक फील्ड आया वर्टिकली डाउनवर्ड फंक्शन ऑफ एक्स, और इसकी वजह से जो फोर्स होगी बी डैश इंटू आई इंटू लेंथ डीएक्स, और एल क्रॉस बी से डायरेक्शन, एल इधर है जो करंट की डायरेक्शन थी एल, और मैग्नेटिक फील्ड नीचे एल क्रॉस बी, तो माइनस के डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, पर मैग्नीट्यूड ये होगा। ये आ रहा है समझ में हमें? यस सर। यू नॉट आई इंटू आई इंटू डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन 0 से लेकर L तक, वो नेट फोर्स आएगी। इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे इसको T मानकर, है ना? देखो मुझे समझ में आया क्या? ये फर्स्ट पार्ट हुआ, फोर्स ऑन वायर OC, फर्स्ट पार्ट। यहां तक बताओ मुझे कोई डिफिकल्टी हो तो।
यहाँ तक ठीक है, कोई डिफिकल्टी? यहाँ एक्स और आई है, एक्स क्लास समझ में आया आपको? यस सर। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम, ये इसको टी मान लिया तो 2x dx, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये log t ln t आ जाएगा, है ना? आ रहे समझ में? यस सर। यस सर। ये मैं इसकी वैल्यू लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, मेरा अपॉन 2 पाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 2 से डिवाइड कर दिया, तो एल एन टी एल एन की वैल्यू रख दे रहा हूँ, एल एन ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और माइनस में आएगा, इसलिए अपॉन ए स्क्वायर। ये मेरा नेगेटिव जेड डायरेक्शन में आ गया, नेगेटिव जेड डायरेक्शन। और जब ये सेकेंड पार्ट लेंगे, डायरेक्शन ऑफ बी रिवर्स कर दिया, ये तो नेगेटिव जेड है, नेगेटिव जेड डायरेक्शन में फोर्स। ओके सर। और जब ये बी की डायरेक्शन चेंज कर दी हमने, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अलोंग आ जाएगा, तो इसलिए नेट फोर्स जीरो आ जाएगी सेकेंड में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड करंट के पैरेलल आ जाएगा नेट फील्ड। ठीक है, क्लास समझ में आ गया आपको? यस सर। सेकंड केस में नेट फील्ड जीरो आ जाएगा, क्यों? मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू वायर ओसी। क्योंकि इसमें डॉट कर दिया, तो डॉट की वजह से किधर हो जाएगा? डॉट की वजह से ऊपर हो जाएगा ना, ऊपर राइट। हाँ, इधर 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 हो जाएगा। यस सर। एक इधर और एक इधर ऐसे बन जाएंगे, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये वाला ऊपर हो जाएगा, तो इनका जो कंपोनेंट है वो इसके अलोंग इधर आ जाएगा, और जो कि ओसी के पैरेलल हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड करंट के पैरेलल, इसलिए नेट फोर्स जीरो। ठीक है, आज यहीं तक कर रहे हैं, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ मुझे। नो सर। बाकी फिर अगली क्लास में और प्रैक्टिस करनी है इस चैप्टर में से, तो और कर सकते हैं। फोर्स की डायरेक्शन बताना, फोर्स की डायरेक्शन। फोर्स की डायरेक्शन देखो, एल वायर में, ये एल तो इधर है करंट की डायरेक्शन में एल, और मैग्नेटिक फील्ड है नीचे, एल क्रॉस बी, राइट हैंड रूल से एल क्रॉस बी लगाओ। ठीक है, ओके सर। हाँ यस विकास दुबे को छुपा के रखा हुआ था, इनको पकड़े जाने वाला है। क्या क्या कर रखा था? विकास दुबे को वत्सल ने छुपाया था। अच्छा, हाँ वत्सल ऐसे काम करता है, बड़े बड़े काम करता है वत्सल, वैसे ये मानना पड़ेगा। ठीक है, आज यहीं तक, बाकी नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय स्टूडेंट्स।